मिल जाती है और स्वास्थ्य भी मिल जाता है। डराते तो डॉक्टर ही है ना। हम लोग उन डॉक्टर्स में नहीं है कि हम डराएं, हम तो बचाने का काम कर रहे हैं, लाखों लोगों को फायदा हुआ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या कुछ से और अपनी संस्था के बारे में? सबसे पहले मैं विक्रम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हम जैसे लोगों को एक मंच के माध्यम से लाखों लोग और हम लोगों से जोड़ते हैं, जिसके लिए मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में बताऊँगा कि मेरी संस्था का नाम राइजिंग स्टार वेलफेयर फाउंडेशन 15 सालों से लोगों की सेवाओं में लगी हुई है। हमारी संस्था ने अब तक 500 से ऊपर हेल्थ कैंप, निःशुल्क हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कर चुकी है, जिसके माध्यम से हम गरीब लोगों को स्लम में जाके, लो मिडिल क्लास में जाके, जहाँ पे हकीकत में जैसे इस समय डेंगू का प्रकोप चल रहा है जी। और ये हमारा भारत देश है, हर महीने 2 महीने में 3 महीने में कोई रहता है, तो ऐसे में एक अच्छा हेल्थ सिस्टम उनके घर के पास आके मिल जाता है, तो उन लोगों की दुआएं भी मिलती हैं, उन लोगों को अच्छे सेवा। नमस्कार, मैं विक्रम और आज फिर एक अपने पॉडकास्ट में हम अपने खास मेहमान से आपको परिचित कराएंगे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर अपनी सेवाएं दी और समाज को जागरूक कर रहे हैं। यूं तो वो परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आज के आधुनिक दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, परिचय बताना लाजमी है कि आखिर डॉक्टर योगेश विमल जो आज हमारे खास मेहमान है वो क्या कुछ कर रहे हैं। राइजिंग स्टार वेलफेयर संस्था के माध्यम से अब तक 500 से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगा चुके हैं, वो भी निःशुल्क, जिसमें गरीब, वृद्ध, बुजुर्गों को वो मुफ्त इलाज भी दे पाते हैं और उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी कर पाते हैं। उसके साथ साथ उन बच्चों के लिए अहम काम कर रहे हैं जो महज 10 वर्ष से भी कम आयु के होते हैं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। इनका मुफ्त इलाज कराते हैं, चाहे वो इलाज लाखों में क्यों ना हो। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर योगेश विमल जी मौजूद हैं। बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और अपने इस पॉडकास्ट में आज डॉक्टर योगेश की और इनके राइजिंग स्टार वेलफेयर संस्था की बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से और अपनी संस्था के बारे में? सबसे पहले मैं विक्रम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हम जैसे लोगों को एक मंच प्रोवाइड करते हैं, इस मंच के माध्यम से लाखों लोग और हम लोगों से जोड़ते हैं, जिसके लिए मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में बताऊँगा कि मेरी संस्था का नाम राइजिंग स्टार वेलफेयर फाउंडेशन है, जो कि तकरीबन 15 सालों से लोगों की सेवाओं में लगी हुई है। हमारी संस्था ने अब तक 500 से ऊपर हेल्थ कैंप, निःशुल्क हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कर चुकी है, और इस कैंप के माध्यम से हम गरीब लोगों को स्लम में जाके, लो मिडिल क्लास में जाके, जहाँ पे हकीकत में जैसे इस समय डेंगू का प्रकोप चल रहा है जी। और ये हमारा भारत देश है, हर महीने 2 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई बीमारी का प्रकोप चलता रहता है, तो ऐसे में एक अच्छा हेल्थ सिस्टम उनके घर के पास आके मिल जाता है, तो उन लोगों की दुआएं भी मिलती हैं, उन लोगों को अच्छे सेवाएं भी मिल जाती हैं और स्वास्थ्य भी मिल जाता है। डॉक्टर साहब, आधुनिक दौर में, आज के इस दौर में, यानी कि एक लोग है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में, मतलब इंसान के पास एक ही काम है, घर से निकलना, कमाना, फिर घर को चलाना, इन सबके बीच कैसे समय को मैनेज करते हैं? सर देखिए, कभी कभी समाज सेवा जो होती है ना, वो मतलब मैं तो ये कहूंगा कि जो हकीकत में समाज सेवी होता है वो अंदर से होता है, वो आपके है ना, मतलब होता एक पैशन आ जाता है आपका कि नहीं आपको करना है जी। आपको कहीं भी कोई दुखी दिखेगा तो आप उसके लिए उठेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, मतलब वो ये नहीं होता कि हाँ कि हम कैसे करें, फिर आपको करना है तो करना है। पहले एक कैंप किया, फिर 2 कैंप किया। मैं अपने बारे में बता दूं कि तकरीबन 15 साल मैं लखनऊ पुलिस डिपार्टमेंट में भी डॉक्टर रह चुका हूं जी। उस बीच जब मुझे लगा कि अब वहां पे रहते हुए मैं समाज सेवा नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने फिर वहां से रिजाइन दे के समाज सेवा में आ गया, पूर्ण रूप से समाज सेवा में आ गया। साथ में मैं अपनी ओपीडी की टाइमिंग भी मैंने अपनी ऐसे कर रखी है कि ताकि मुझे अगर लोगों की हेल्थ कैंप या लोगों को हेल्थ को लेके कोई कैंप लगाना है या उनकी सहायता करनी है तो मैं उसको मैनेज कर लूं। जब आप फ्रीलांस होके काम करते हैं तो आप अपनी इच्छा के स्वयं मालिक होते हैं, और जब आप किसी के अंडर में काम करते हैं तो आप उसके प्रति अधीन हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमने ये भी सुना है कि
आप और आपकी धर्म पत्नी जी मिलकर ये काम करती हैं। आमतौर पर बीबिया या जैसे पत्नी कर रही है सोशल वर्क तो पति टोकते हैं, पति कर रहे हैं तो पत्नियां टोकती है कि क्या है ये घर का जो पैसा लाते हो कमा के वो समाज सेवा में उड़ा देते हो, तो कभी इस बात को लेकर दोनों में कुछ कहा सुनी नहीं होती है। देखिए जीवन की हकीकत यह है कि अगर आपको एक अच्छी धर्म पत्नी मिल जाती है तो शायद आपके काम ज्यादा आसान हो सकते हैं। तो आप उनको जब आप लेके चलेंगे साथ में, मैं हर व्यक्ति से कहना चाहूंगा जब आप अपनी पत्नी को अपने साथ में रखेंगे और वो खुद देखेंगे कि आपके काम क्या हो रहे हैं तो शायद उनका विश्वास आपके प्रति और भी बनेगा। तो अगर आप लोगों को भी समाज सेवा करनी है या कोई भी ऐसा काम करना है तो अपनी पत्नी के दिमाग में अपनी पत्नी के नजर में रखते हुए करें ताकि उनका सपोर्ट भी मिले। आज मेरी ताकत हकीकत में मेरी धर्म पत्नी डॉक्टर अर्चना विमल भी है, उन्हीं के माध्यम से उन्हीं के साथ होने की वजह से मैं इतनी समाज सेवा कर पाता हूँ। तो बच्चे हैं, स्कूल जाते होंगे कॉलेज जाते होंगे जी, उनको लाना उनको छोड़ना ये सब कैसे जी? जनरली मैं खुद हमारे घर में एक बहुत अच्छी चीज है कि बेटा मेरा CMS में है LDA ब्रांच में और इस समय थर्ड में है, तो हमारी ड्यूटी लगी हुई है कि भाई छोड़ने हम जाते हैं और लेने वाइफ जाती हैं। उन्होंने भी अपनी टाइमिंग हॉस्पिटल्स की ऐसी बना रखी है कि वो इवनिंग में 5 to 8 वो जाती हैं और बाकी टाइम बच्चे को देखती हैं, पढ़ाती हैं और जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो माता पिता की सेवा करती हैं। तो फिर घर भी तो चलाना है, सुबह उठती होंगी खाना वाना बनाती होंगी जी, फिर दोपहर हो गया फिर आप आते होंगे जी, तो आप कौन सा काम संभाल रहे हैं घर का? देखिए हकीकत तो ये होती है कि कोई एक व्यक्ति के संभालने से घर नहीं चलता, घर चलते हैं दोनों लोगों के संभालने से। अगर कोई आदमी ये कहता है कि सिर्फ मेरी पत्नी या मेरा पति ही संभाल रहा है तो शायद वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक गाड़ी के दोनों पहिए ही होते हैं और दोनों के मिल बांट के करने से मुझे लगता है कि चीजें ज्यादा आसान हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी मतलब ये सोशल वर्क में आने का कोई इंसिडेंट भी रहा क्या कि कोई घटना ऐसी घटित हुई या प्रभावित हुई? क्योंकि पुलिस लाइन में कहीं ना कहीं डॉक्टरी का काम कर रहे थे या फिर पुलिस के जो कर्मचारी है उनको देखने का काम करते थे, अचानक से सडनली ऐसा क्या हो गया कि वहां से रिजाइन लेने का मन में ख्याल आ गया? सर देखिए होता क्या है ना कि समाज सेवा, मैंने बताया ना समाज सेवा गॉड गिफ्टेड होती है, वो जीन्स में होती है आपके। माता पिता से सीखा, फिर घर वालों से सीखा, फिर लगा कि नहीं अब इच्छा होती है कि कुछ करें, तो पुलिस वालों को भी देखा, तमाम पुलिस वाले ऐसे थे जिनको जरूरत थी अच्छे उसके लिए, तो समय समय पर अलग अलग हॉस्पिटल्स के पुलिस लाइन में कैंप लगाए, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, कई बार तो इतने अच्छे डॉक्टर्स इन्वाइट किए कि 3-3 दिन 4-4 दिन तक कंटिन्यू हमारे हेल्थ कैंप निशुल्क हेल्थ कैंप चलते रहे। इतना आसान होता है क्या कि कैंप लगा ले कहीं भी जाके? सर देखिए हकीकत तो ये होती है कि कोई भी कार्य आसान नहीं होता। आप यहाँ तक कि आपके सामने खाना भी रखा हो जब तक आप स्वयं नहीं खाएंगे तब तक वो आपके मुंह के अंदर नहीं जाएगा। अच्छा मतलब जैसे एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करना होता है तो कहीं पर भी मान लीजिए किसी गवर्नमेंट जगह पर करना है, संस्थान में करना है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती होगी? क्योंकि बड़ी मशक्कत होगी सर। देखिए बड़ी दिक्कतें होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई भी काम मैंने बताया कि आसान नहीं होता है। कहीं पे भी आप हेल्थ कैंप लगवाने जाते हैं, कुछ भी करवाने जाते हैं, सबसे पहले लोगों का नजरिया ये होता है कि इनका क्या फायदा है। बिल्कुल। तो जब आदमी को ये बताना होता है कि भाई फायदा नहीं है, हमारा फायदा नहीं आपका फायदा है, अगर आप उनको कम शब्दों में ये बताने में सक्षम हो जाते हैं कि आपका भी फायदा है हमारा फायदा नहीं है, तो लोगों को आपके प्रति नजरिया भी अच्छा हो जाता है और धीमे धीमे लोग खुद ब खुद, एक जगह आप अच्छा काम करें तो लोग खुद ब खुद आपको भेजते हैं कि नहीं हमारे उस डिपार्टमेंट में लगा दीजिए, वहां भी लगा दीजिए। अच्छा पहला कैंप शुरू किया, जब पहला कैंप जी स्वास्थ्य शिविर पहला कहाँ पे किया था और किस तरह की दिक्कतों का सामना, क्योंकि तब हो सकता है पता ही ना हो कुछ कि क्या कैसे करना है, जी, तो जी, क्या क्या दिक्कतें आई उस समय? चलिए पहला कैंप कब किए तो मुझे बहुत ज्यादा तो मुझे याद नहीं होगा, लेकिन यह है कि शुरुआत के जो कैंप मेरे हुए वो मैंने डॉक्टर रीता बहुगा जोशी जी के लिए अच्छे खासे कैंप ऑर्गेनाइज किए जी, जब वो चुनाव टाइम पे थी तो उनके क्षेत्रों में जाके खूब प्रोग्राम्स किए और दीदी का इतना सहयोग मिला कि मैं हकीकत में कहना चाहूंगा कि दीदी को सत नमन कहना चाहूंगा कि उनके सहयोग के बिना कोई भी हेल्थ कैंप लगा पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमें जगह की जरूरत होती है, हमें डॉक्टर को बैठाने के लिए अच्छी चेयर्स की जरूरत होती है, टेंट की जरूरत होती है, दवाई भी तो चाहिए होती है, नहीं मेडिसिन की कहीं कहीं जरूरत होती है, कहीं कहीं विदाउट मेडिसिन भी हम कैंप लगा देते हैं, मशीनें भी तो लगती होगी, मशीनें भी लगती हैं, ECG हम करवाते हैं, हम ब्लड शुगर टेस्ट करवाते हैं, तमाम हम ऐसी टेस्टिंग
जो कि निशुल्क हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल देखा है हमने शुगर और बीपी, ये आमतौर पर हर दूसरे आदमी को, तो इसके इसका सुना है कोई इलाज भी नहीं है कि खत्म हो सके शुगर या बीपी जी, तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्या बताना चाहेंगे? देखिये बहुत से एक्सपीरियंस मिलते होंगे इतने मेडिकल कैंप लगाए जी। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, दुनिया में हर बीमारी का इलाज दवाइयां नहीं है। कुछ बीमारियों का इलाज मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने मतलब इतने सालों में सीखा है, कि चेहरे पे स्माइल आना, बच्चों में बच्चा बन जाना, बड़ों में बड़ा बन जाना, कुछ माता पिता के साथ बैठना, समय बिताना, दोस्तों के साथ में उठना बैठना और तनाव कम से कम लेना। देखिए हमारे बिना भी दुनिया थी, हमारे बाद भी दुनिया है, हमारे आगे जाने के बाद भी दुनिया रहेगी। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि दुनिया में हम कुछ नहीं है, एक छोटे से पॉइंट है, उसी दिन हम समझ जाएंगे कि हाँ ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आप जीवन को बहुत ही लाइट लीजिए, अच्छे से खाइए पीजिए, घर में समय बिताइए। हकीकत में देखा जाए तो घर में जो आपके माता पिता भाई बहन होते हैं वही जीवन है, उसके अलावा कोई जीवन होता नहीं है। आप जब बीमार होते हैं तो यही 5-6 लोग आपके बेड के आसपास किनारे दिखाई देंगे। तो जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि हाँ इनके साथ समय बिताना, इनके साथ बैठना, इनके साथ उठने में आपको हंसी मजाक कीजिए, दोस्तों में समय बिताइए, तो देखिए आपको कोई दवाइयों की जरूरत पड़ेगी नहीं। और अपनी कुछ बातें अपने किसी दोस्त से हमेशा कहिए। डराते तो डॉक्टर ही है ना, हम लोग उन डॉक्टर्स में नहीं है कि हम डराए, हम तो बचाने का काम कर रहे हैं, लाखों लोगों को फायदा हुआ है। बात तो मैं आपकी सहमत हूँ, और डॉक्टर योगेश उन लोगों के हलिए हमेशा खड़े नजर आते हैं जो कहीं ना कहीं कमजोर है, असहाय है। सरकार भी तमाम योजनाएं चला रही, लेकिन डॉक्टर साहब भी उनकी मदद करने के लिए हमेशा खड़े होते हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन होता है ना कि हम गए या कोई भी व्यक्ति एक प्राइवेट अस्पताल में गया, सरकारी संस्थानों को छोड़ देते हैं, प्राइवेट अस्पताल में गया, एक छोटी सी बीमारी उसको बड़ा लंबा बता दिया गया और आदमी व्यक्ति घबरा गया, तो ऐसा भी तो होता है। देखिए सबसे पहले बचाने वाला भगवान है, लेकिन कहीं ना कहीं आज इस देश में भी तमाम वो लोग आते हैं। देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप बड़े हॉस्पिटल्स में आते हैं तो आप गंभीर बीमारियां लेके ही आते हैं। छोटी बीमारियां जो होती हैं वो आप अपने छोटे आसपास के क्लिनिक में, छोटे मोटे नर्सिंग होम में ऑलरेडी मैनेज कर चुके होते हैं। जैसे हाँ लोग कहते हैं पीजीआई में लोग आते हैं तो बहुत दिक्कत मतलब बीमारी होती है उन्हें, मैं कहता हूँ पीजीआई हुआ, मेदांता हुआ, अपोलो हुआ, ये बड़े हॉस्पिटल्स में, आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल्स में आते हैं तो गंभीर बीमारियों को लेके आते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा टास्क होता है उन्हें बचाना। बिल्कुल, जिसमें मेरे ख्याल से वो हर संभव प्रयास करते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होता जो कि ये चाहेगा कि मेरा पेशेंट को कोई दिक्कत हो या मेरे पेशेंट को हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसे हम बचा ना पाए आखिरी समय तक हर डॉक्टर, क्योंकि उनकी कोई पारिवारिक दुश्मनी तो होती नहीं है आपके साथ में, और आप पैसा भी दे रहे हैं तो उनकी पूरी कोशिश होती है। तो ये एक गलत भावना है कि डॉक्टर पैसा देते हैं या गलत डरा लेते हैं, देखिए डराना भी लाजमी है। जब आप ऑलरेडी लीवर में इतनी ज्यादा डिंग कर लेते हैं तो वो डराएंगे कि भाई अगर आपने फिर पी तो आपकी जान जा सकती है। लोग किडनी के लिए भी उतने ज्यादा वो नहीं रखते हैं, उल्टा सीधा खाए जा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, टॉयलेट टोक रहे हैं, तो जिसकी वजह से किडनी खराब होने के चांसेस होते हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति बड़े जागरूक रहे हैं डॉक्टर, सभी डॉक्टरों को मैंने देखा कि हमेशा एडवाइस देते हैं कि स्वस्थ रहे, योगा करें, एक्सरसाइज करें, सुबह मॉर्निंग वॉक करें, लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद ये संभव नहीं हो पाता है। अब पहले के लोग तो 100-100 साल जी लेते थे, पर आज उम्र जो लाइफ है वो भी कम हो गई है। तो स्वास्थ्य के प्रति आखिर क्यों कैंपेनिंग करते हैं, क्योंकि एनजीओ मैंने देखा है तमाम एनजीओ अलग अलग विषयों को लेकर भी चलता, स्वास्थ्य के प्रति क्यों, एज ए डॉक्टर है इस वजह से या कोई और भी वजह रही है जिससे प्रभावित हुए? नहीं, हकीकत में देखिए हेल्थ इज वेल्थ, लोग इसको बड़े हल्के में लेते हैं। मुझे लगता है कि जो स्वस्थ है वो अमीर है। मैंने तमाम ऐसे बहुत ज्यादा पैसे वाले लोगों के साथ में भी मैं रहा हूँ और उनको मैंने देखा है कि वो अंदर से किसी की किडनी में दिक्कत है, किसी के लीवर में दिक्कत है, किसी को ब्रोंकाइटिस इतना ज्यादा है कि प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कोई और बीमारी है, गंभीर बीमारी झेल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसके पास हेल्थ अच्छी है तो आजकल जमाने में वो सबसे अमीर व्यक्ति है। अच्छा, जैसे सोशल वर्क करने के लिए तो मैं कहता हूँ आम आदमी भी कर ही सकता है, किसी की मदद कर दे, एनजीओ क्यों बनानी पड़ी, मतलब राइजिंग स्टार वेलफेयर फाउंडेशन की जरूरत कब पड़ी और क्यों पड़ी? देखिए होता क्या ना कि काम तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन हकीकत में जब हम किसी के पास जाते हैं और बताते हैं कि भाई हमें कोई हेल्थ कैंप करना है या हमें कोई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देनी है, तो वो पूछता है हुआरी आप कौन है। तो जब हुआरी का जब प्रश्न आता है तो फिर हमें बताना होता है कि मैं कौन हूँ। तो मुझे एक टैग की जरूरत हुई कि भाई किसी संस्था के माध्यम से काम किया जाए ज्यादा अच्छा,
तो ऐसी संस्था के लिए मुझे अपनी एक संस्था बनानी पड़ी और उस संस्था के माध्यम से काम करना मेरे लिए ज्यादा इजी हुआ। कब नींव रखी संस्था की, कब बनाया, क्या चल? दो संस्थाएं एक लंबे समय तक चला रहा हूँ, तो मान के लिए 2004 से हम लोग क्रियान्वित हैं इन कार्यों के लेके। अभी मैंने एक हेल्थ सिटी विस्तार के अंदर भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था जिसमें हमारे 3 डॉक्टर्स थे हेल्थ सिटी विस्तार के ही, जिन्होंने अच्छे हार्ट के ऊपर, लीवर के ऊपर, आर्थोपेडिक के ऊपर, एंड देन एक चीज और थी मुझे याद नहीं आ रही है, ब्रोंकाइटिस के ऊपर एक अच्छा लेक्चर दिया उन्होंने। तकरीबन 251 लोगों का हमने समाजसेवियों का और डॉक्टर्स का सम्मान भी किया वहाँ पे। सम्मान तो इसलिए हम करते हैं ताकि कोई आदमी आ रहा है तो उनको ये लगे कि हाँ भाई हम यहाँ पे आए तो हमें हॉस्पिटल्स की ओर से एक अच्छा सम्मान मिला। स्वाभाविक है, रिस्पेक्ट मिला, रिस्पेक्ट मिला, आदमी को आना भी अच्छा लगा। उसके बाद एक बहुत अच्छी हेल्थ टॉक हम लोगों ने सुनी जिसके लिए मैं हकीकत बताऊं हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल और मेदांता हॉस्पिटल का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि ये दोनों बड़े हॉस्पिटल्स हम लोग को, हम लोग जैसी छोटी एनजीओ को बुलाते हैं और अपने कार्यक्रम करने के लिए पूरी मदद करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात तो सही है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई सामाजिक संस्था है, सरकार तो कुछ दे नहीं रही है, सबसे बड़ा बल मिलना चाहिए आर्थिक जी, और कहीं ना कहीं सामाजिक कि लोग नहीं होंगे तो हम किनको सम्मानित करेंगे, लोग नहीं होंगे तो हम किनको मुफ्त शिविर का लाभ देंगे। तो इन सब चीजों में जहां पर मेन बात आ जाती है कि आर्थिक बल यानी कि डोनेशन या फंडिंग या कुछ ऐसे लोग जो हमें मदद कर सके या आपको मदद करते हैं इस तरह के कार्यक्रमों को कराने के लिए, तो कैसे उन लोगों, वो लोग मिलते हैं, कैसे मदद करते हैं? क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी चुनौती हो जाती है जब किसी बड़ी जगह पर, किसी बड़े लोकेशन पर अपनी जेब से लगाना पड़ता है और पता चलता है हमारी जेब में तो 100 ही रुपए है जो हम लगाना चाहते हैं लेकिन वहां आवश्यकता 500 रुपए की है या 5000 की है, तो इस सूरत में क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं भाई? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब बड़े प्रोग्राम होते हैं खर्चे उसी में आते हैं। जब आप अच्छे प्रोग्राम और बड़े प्रोग्राम करने चाहेंगे तो उसके लिए हम लोग समय सीमा लेते हैं जी। हमारी संस्था ने आज तक ना कभी किसी से डोनेशन लिया है, यहाँ तक कि आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि हमारी संस्था ना, जितने भी लोग आते भी हैं हमारी संस्थाओं में तो हम कभी भी किसी से कोई पेमेंट नहीं लेते हैं। 3 महीने 4 महीने का समय लेते हैं ताकि हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं तो एक छोटा अमाउंट हम लोग अपनी एनजीओ के लिए अलग से निकाल के रखते हैं कि भाई अब एक ऐसा प्रोग्राम करना है तो उसके लिए हमें पैसे इकट्ठे करने हैं तो कुछ पेमेंट वो भी इकट्ठा करते हैं, कुछ पेमेंट हम इकट्ठा करते हैं तो प्रोग्राम्स हो जाते हैं। आगे चल के अगर हमें लगेगा कि प्रोग्राम और बड़े लेवल पे होना है तो कोशिश करेंगे कि भाई आम जन से भी कुछ लिया जाए। अच्छा मतलब दोनों लोग अपने जो इनकम है उसका निकाल कर जी इस तरह का कंट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस जी। फिर भी तमाम बार दिक्कतें तो आती होंगी सर। दिक्कतें तो हर उस चीज में आएगी जो आप सोसाइटी के लिए करना चाहेंगे। अच्छा कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ अच्छा करने गए हो, गलत हो गया हो, बुराई हो गया, उल्टा हो गया हो, कभी ऐसा कोई बुरा हो? नहीं, हकीकत बताएं कि हनुमान जी की और माता रानी की इतनी अच्छी कृपा है हम लोगों के ऊपर कि आज तक जितने भी कार्यक्रम किए हैं, जितने भी लोग आए हमारे यहाँ, आप पूरे लखनऊ में, लखनऊ के बाहर अलग अलग जिलों से लोग आते हैं, सबका फीडबैक 99% तक अच्छा ही मिला। तो इसके लिए तो मैं हकीकत कहना चाहूंगा कि माता रानी की कृपा है और अच्छी सोच के साथ आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद ही ऐसी कोई आपके साथ में दिक्कतें आए अगर अच्छी सोच है आपकी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा है तमाम एनजीओ काम कर रही है, तमाम अलग अलग विषयों पर काम कर रहे हैं, कोई शिक्षा पे कर रहा है, कोई वृक्षारोपण पे कर रहा है, आप स्वास्थ्य पे कर रहे हैं, 500 से अधिक अभी तक मुफ्त शिविर मेरे मुताबिक लगा चुके हैं जो मुझे जानकारी मिली है। अच्छा ये जो बच्चे हैं, जो मैंने सुना है कि आप जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं इनको गंभीर बीमारियां होती है, हाल ही में आपने शायद किसी बच्चे का ट्रीटमेंट भी कराया है, 1 लाख था शायद 12 लाख का कराया, 12 लाख का ट्रीटमेंट था उसका, ये कैसे मैनेज करते हैं क्योंकि ये तो बड़ी चुनौती हो, ये 10 लाख 12 लाख का ऑपरेशन सर्जरी कैसे करा पाते हैं भाई? सर जनरली हम लोग अपनी एक अलग से टीम है जिसमें हम लोगों ने क्या कर रखा है, हमने अपने कुछ अच्छे लोगों को जोड़ रखा है जी, जिसमें अगर किसी भी पेशेंट को गंभीर बीमारी है, जैसे छोटे बच्चे हैं 10 12 15 साल के जिनको कैंसर है या हाइड्रोसिफेलस है, सर में पानी भर गया है, हाथी पांव है या कोई बर्न का केस है या और भी कोई ऐसी बीमारी है जिसमें उनके पास पैसे की कमी है, तो हम लोग क्या करते हैं अपने उस ग्रुप में डालते हैं और ग्रुप के माध्यम से सब लोग इकट्ठा होकर उनको पैसा देते हैं
पैसा सीधे हॉस्पिटल के अकाउंट में जाता है ना, मेरे अकाउंट में आता है और जहाँ पे भी ऑपरेशन है, हाँ जहाँ पे वो अपना एक एस्टीमेट हमें बताएं कि ये एस्टीमेट है, एस्टीमेट जिस हॉस्पिटल में हो रहा है, हम हॉस्पिटल भी अच्छा होना चाहिए, बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, हमसे संपर्क करते हैं तो हम अपने हॉस्पिटल में मैनेज करवाने की कोशिश करते हैं। उसमें हम लोग पूरा पेमेंट, जितना भी पेमेंट का खर्चा आता है वो पूरा पेमेंट हम लोग इकट्ठा करते हैं, चाहे उसमें एक दिन लगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है पैसा इकट्ठा करने में, 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है उस पेमेंट को इकट्ठा करने। मान ले कोई बच्चा है, ऑपरेशन होना है, सर्जरी होना है, जी, तो जो परिवार है या जो भी पीड़ित, जैसे कैंसर की बीमारी है या कोई ऐसा कैंसर है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि पेमेंट इकट्ठे करने के बाद, क्योंकि इकट्ठा करने में समय लगता है, तो हम 1.5 से 2 महीने में पैसा इकट्ठा करके उस हॉस्पिटल के अकाउंट में डलवाते हैं, ना वो मेरे अकाउंट में आता है और ना ही उस फैमिली के अकाउंट में जाता है। हाँ। अभी तक कितने बच्चों का ऑपरेशन की बात किया जाए तो संस्था या आपकी जो टीम है इसके माध्यम से करा चुके हैं, वो बड़ा जटिल रहा हो उस परिवार के लिए, वो सबसे बड़ी समस्या रही हो, क्योंकि जब 10 साल का बच्चा या 1-2 साल का बच्चा पैदा होता है इस तरह की बीमारियों से पीड़ित, तो उस परिवार पे तो समझिए एक तरह की आफत टूट गई, और वो बच्चा कितनी कितनी मन्नतों के बाद उनको मिलता है, उसके बाद भी उनको लगता है कि ये बच्चा रहेगा कि नहीं रहेगा। सर होता क्या है ना, ये भी समाज सेवा भी एक सीढ़ी के समान होती है, पहली सीढ़ी पे आपके पास कोई और टास्क होता है, सेकंड सीढ़ी पे दूसरा टास्क होता है, जिंदगी भी एक वीडियो गेम जैसे ही होती है, जब आप ये वीडियो गेम जब हम लोग बचपन में खेलते थे तो एक टास्क कंप्लीट करते थे तो उसके बाद नया टास्क ज्यादा गंभीर और ज्यादा खतरनाक चीजें होती थी, तो सेकंड टास्क देखा, पहले छोटे कैंप लगाए, फिर बड़े कैंप लगाए, फिर बड़े हॉस्पिटल्स में बुलाना चालू किया, जाना चालू किया हम लोगों ने, फिर वहां पर जाके हम लोगों ने हेल्थ टॉक ऑर्गेनाइज करवाई, उसके बाद बच्चों का ऑपरेट के लिए हम लोगों ने पैसा इकट्ठा करना चालू किया। अच्छा, पहला केस कैसा रहा जो बच्चे का सर्जरी ऑपरेशन हुआ, छोटे बच्चे का जिसको लगातार आप लोग कर रहे हैं, पहला कौन सा रहा और उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, किस तरह की दिक्कतें आई, क्योंकि लगता है ना समय, महीने भर बड़े केस में महीने भर लग गए, हफ्ते भर लग गए, जैसे भी आपकी टीम इकट्ठा कर दी थी, तो वो क्या रहा, कैसे वो लोग आपके पास आए, कैसे आपको पता चला उनके बारे में या आपको उनके बारे में? जी चलिए, हकीकत में देखा जाए तो कई एक मुझे याद आ रहा है कि एक बच्चे को हाइड्रोसिफेलस था। हाइड्रोसिफेलस का मतलब डिवाइड भी कर दिया, हाइड्रोसिफेलस का मतलब ये होता है कि सर में पानी भर जाना। अब उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि उनको मालूम ही नहीं था कि उनके बच्चे का सर इतना बड़ा क्यों हो रहा है, उसमें सर में पानी भर जाता है, तो जैसे पिक्चर बनी थी पांता बच्चन की, नहीं वो एक अलग बीमारी है, ये एक अलग बीमारी है, तो उसमें सर के अंदर पानी भर जाता है जिसकी वजह से दिक्कत ज्यादा होने लगती है। तो ऐसे में उस बच्चे को माता पिता शुरुआत में तो समझ ही नहीं पाते उनके बच्चों को क्या दिक्कत है, फिर किसी और के माध्यम से पता चला कि, फिर जब तक उनको पता चला तो उनको बच्चे की कंडीशन ज्यादा बिगड़ने लगी। ऐसे में फिर हमने किसी को हमारी संस्था के बारे में पता चला तो हम लोगों ने उस बच्चे को देखा, फिर हमने अपने डॉक्टर्स जो हमारे फ्रेंड सर्कल्स में लोग थे, हमने उनको फोटो वीडियोस दिखाई, और फोटो वीडियोस दिखाने के बाद हमने कहा कि चलो भाई इस पे ट्रीटमेंट किया जाए, तो और जब वो बच्चा ठीक होके वापस अपने घर पे आया तो उन बच्चों का समय लग गया इस बच्चे को ठीक होने में, देखिए मुश्किल से मेरे ख्याल से हम बीमारियां भी वही मैनेज कर पाते हैं जिनका तुरंत उपचार की जरूरत ना पड़े। कम से कम 15 दिन से 1 महीने, मिनिमम से मिनिमम 15 से 1 महीने का समय हम लोग लेते ही हैं, क्योंकि तो आजकल आप किसी की जेब से 100 रुपए निकालने की कोशिश कीजिए तो शायद वो भी ना निकल पाए, निकलेगा। तो आप किसी के लिए लाखों रुपया निकालना चाहते हैं तो आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, अब वो भी हॉस्पिटल के अकाउंट में ही पेमेंट डलवाना है आपको, आपको अपने पास में नहीं करवाना, तो ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, तो इसके लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन माता रानी और भगवान जी की कृपा से सारी चीजें हल हो जाती हैं। जब आप चेहरे पे सामने वाले के पूर्ण जन्म आप देखते हैं क्या से जो गंभीर बीमारी, परिवार आया आपके पास, परिवार आया ऑपरेशन के बाद तो क्या कुछ रहा, क्या बस ये मान के चलिए कि लोग आते हैं और कोई पांव छूने की कोशिश करता है तो भाई हम तो हाथ जोड़ लेते हैं कि अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं, अभी तो सीख ही रहे हैं, अभी तो सीखने दीजिए, अभी तो बहुत लोगों का भला करना है, कई लोग गले लगाने की कोशिश करते हैं, कई लोग पूरी इतनी दुआएं देते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो तमाम ऐसे पेशेंट जिनको कैंसर था या और कई गंभीर बीमारियां थी उसमें हमने उनको अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाया, तो बहुत अच्छा महसूस होता है किसी को ठीक करने से, आप लोग भी करके देखिए आपको भी अच्छा लगेगा। तो योगेश जी ये तो रही आपकी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जो बड़ा काम आप कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी, जो कहीं ना कहीं आज हमारे दर्शक भी इस बात से परिचित हो पाए होंगे और अगर कोई बच्चा पीड़ित होगा तो आपसे संपर्क कर पाएगा। दूसरी चीज ये स्वास्थ्य शिविर जब लगाते हैं तो कभी ऐसा भी कोई किस्सा आया हो
कि बड़ी गंभीर बीमारी से वो बुजुर्ग या युवा पीड़ित हो या पीड़ित या जांच के दौरान मुफ्त हेल्थ कैंप के दौरान पता चलता है आपको कि इसको तो इतनी गंभीर बीमारी है कि इसके पास अब दिन भी कम है, तो कभी ऐसा कोई बुरा हो कि सर जल्दी जब आप गांव में जाते हैं तो गांव के लोगों को मालूम भी नहीं होता है कि उनको डायबिटिक है। जब तक उनको पता चलता है कि हाँ उनको डायबिटिक है, तब हम चंदे अपने हेल्थ कैंप में जितने भी पेशेंट हम देखते हैं सबका डायबिटिक चेक करते हैं सबसे पहले जी, बीपी मॉनिटर करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर वो डॉक्टर के पास जाता है, उसके बाद 3-4 और टेस्ट है, हम वही टेस्ट करवाना पसंद करते हैं जो कि ऑन द स्पॉट हो जाए, उसकी रिपोर्ट लेने के लिए उनको हॉस्पिटल ना आना पड़े और ना ही हॉस्पिटल वालों को वहां देने आना पड़े, तो जो जांचें आराम से सुविधापूर्वक उसी जगह पर हो सकती हैं तो वो जांचें हम मैनेज करवा देते हैं। मतलब नहीं, इसमें एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जब आप गांव में जाते हैं और लोगों की डायबिटीज चेक करते हैं तो किसी की 400, किसी की 450, किसी की 450 ऐसे उसकी डायबिटीज निकलती है, तो लगता है कि अरे यार ये लोग कैसे चल रहे हैं। अच्छा, एक आम आदमी को कितने दिन में अपने हेल्थ का चेकअप कराना चाहिए जो नहीं करा रहे लोग? सर देखिए, मैंने अभी आपको एक सेंटेंस और बोला था सबसे पहले कि हेल्थ इज वेल्थ, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अमीर हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अमीरी बनी रहे तो हर 6 महीने में आपको अपनी बॉडी का होल चेकअप करवा लेना। ये 6 महीने में आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का परीक्षण जरूर कराइए, क्योंकि इसी विषय पर तमाम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन राइजिंग स्टार वेलफेयर फाउंडेशन इस विषय को काफी गंभीरता से लेकर गांव गांव जाकर और उन वर्ग को की समस्या को सुनती है, और जब परीक्षण करती है तो पता चलता है उनको 400 बीपी है या शुगर है, और जिसके लिए कहीं ना कहीं जब परीक्षण हो जाता है तो उसको भी पता चल पाता है कि उसको इतनी गंभीर बीमारी है कि जिससे आज शुगर बीपी से आज तमाम लोगों की मौत हो जाती है, दूसरी चीज हार्ट अटैक भी ज्यादा आ जाता है लोगों को। फाउंडेशन जो अपना है ये अब क्या करने वाला है, किस विषय पर आगे, किन किन विषयों को लेकर या किन नए प्रोजेक्टों पर काम करने वाला है जिससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को लाभ मिलेगा? ठीक है, अभी तो हमारे तो आने वाले प्रोजेक्ट हैं कि हम एक नए प्रोजेक्ट पे काम जल्दी ही करने वाले हैं, जो हमने अभी करना चालू भी कर दिया है कई स्कूलों के अंदर, तो उसमें हम अपनी डमी लेके जाते हैं और हार्ट अटैक होने पे कैसे रोका जाए, कैसे पता लगाए कि हार्ट अटैक है या सिर्फ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो हम लोग अपनी डमी लेके जाते हैं और वहाँ पे CPR ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अलग अलग स्कूलों में अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसों में हम अपनी डमी लेके जाते हैं, वहाँ पे CPR ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कि होना भी चाहिए, होना तो ये चाहिए कि स्कूलों के अंदर कॉलेजों के अंदर बताया जाए, हर एक आदमी को CPR देना आना चाहिए। नहीं, स्कूलों कॉलेजों के अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए ये, जिसमें बकायदा डॉक्टर्स को बुलवा के ट्रेनिंग देना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में इतना अच्छा स्कूलिंग सिस्टम नहीं है, या क्या कहें इसके बारे में, तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूंगा। अब कहेंगे तो फिर देखिए, CPR की बात जैसे डॉक्टर साहब ने की, तो लखनऊ के एक सिपाही इन दिनों वायरल हो रहे हैं, कारण था कि एक बुजुर्ग स्कूटर पर जा रहे थे, अचानक से उनको दिक्कत हुई, वो स्कूटर से चल गए और तुरंत तत्काल से लखनऊ के जो सिपाही है उनकी तस्वीर भी अपने खबर में आपको दिखाएं, क्योंकि अच्छे काम को दिखाना भी चाहिए। CPR से याद आया कि वो उन्होंने CPR देते हुए तुरंत उस बुजुर्ग की जान बचाई। डॉक्टर साहब, फिर भी अब NGO जैसे, ये तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है, तो कैसे स्कूल संपर्क करते हैं आप लोग जाते हैं या जब आप 5 से 10 स्कूल आप कवर कर लेते हैं तो स्कूल टू स्कूल लोगों की पब्लिसिटी हो जाती है, मैसेज पहुंच जाती है, पेपर में निकलते हैं, आप जैसे अच्छे जर्नलिस्ट हैं तो हमारे प्रोग्रामों को एक ऊंचाइयों पे लेके जाने के लिए, हकीकत बताएं हम लोग आप लोगों के बिना बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, तब तक आप लोगों की ऑलरेडी लाखों लोग से आप लोगों के कनेक्शन होते हैं, तब आप हमारी खबरें उन लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उनमें से 10-20 लोग ऐसे होते हैं जो देख लेते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ के भी लगवाइए, तो हम लोगों का जो काम होता है वो शायद आप लोगों की वजह से ज्यादा आसान हो जाता है। अरे डॉक्टर साहब, मान लीजिए हमारे कोई दर्शक है, किसी दर्शक को हमारे आपके वहाँ कैंप लगवाना है, तो कैसे संपर्क करते हैं आपसे? आप मेरा नंबर आप चाहे तो मैं बोल भी रहा हूँ, मैं नीचे डाल भी देंगे आपके, तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? आप मुझे फोन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने स्कूल अपने जगह का नाम, पूरे आल UP में हम कहीं भी कैंप लगाने के लिए तत्पर हैं, तो आप मुझे बता भी सकते हैं। और एक चीज और भी बता दूं कि आने वाला एक हमारा नया प्रोजेक्ट भी है जो कि रेप के ऊपर है, तो इस समय की घटनाएं को देखते हुए इसकी नहीं, अब मैं तो कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इस पर भी बात होनी चाहिए, इससे हटके भी बात होनी चाहिए। हेल्थ साहब अगर बात करेंगे इस पर तब तो फिर कैसे करेंगे बात? नहीं, आप पूछिए हमसे, हम जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार मुझे, रोज अपराध हो रहे हैं, क्राइम हो रहा है, तो किसकी जिम्मेदारी बनती है अपराध को कंट्रोल में रखना?
देखिए मैं इसमें एक बात यही कहना चाहूंगा, संस्कारों की कमी ही अपराध पैदा करती है। फिर भी ऐसे मानसिकता के लोगों के का इलाज कैसे होता है? देखिए इलाज करने के लिए कानून बना है। हो रहा है, आप आवाज उठाइए, कानून तक जाइए, छुपाइए नहीं, कानून तक जाइए। जब आप श्रम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे तो कानून हमारा इतना अच्छा है, गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि कहीं ना कहीं वो आपकी पूरी सहायता करेगी और सहायता कर भी रही है। तो हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए, जाना चाहिए, वहां पे बात करनी चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी रेप का प्रतिशत जो आंकड़ा है वो तो बड़ा है काफी। देखिए हर चीज, हर किस्से के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है जी। हमारा जो नया प्रोग्राम आ रहा है स्टॉप रेप नाउ, तो हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। मेरे ख्याल से शायद दिसंबर के लास्ट वीक में हमारा ये प्रोग्राम आप लोगों के सामने रूबरू होगा। इसमें क्या ऐसा खास कर इसमें है? हम तकरीबन लखनऊ की मतलब किसको जागरूक करने जा रहे हैं? चलिए हम पुरुषों महिलाओं को दोनों को, ये किसी एक के कारण कभी नहीं होता। सिर्फ महिलाएं महिलाओं का रेप नहीं कर सकते, पुरुष का नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पे बात होनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि इनकी मानसिकता क्या होती है और हम बचाव के क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, किन वजहों से रेप होता है, और हमें अपने घर के लोगों को कैसे एजुकेट करना चाहिए, बच्चों को कैसे एजुकेट करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर भी बात होनी चाहिए। हमें ये भी देखने की जरूरत है कि हमारे बच्चे जा कहाँ रहे हैं, हमारे बच्चों का सर्किल क्या है, हमारे बच्चे किन से मिल रहे हैं, हमारे बच्चों के दोस्त कैसे हैं। उसके बाद हमें ये भी देखने की जरूरत है कि हमारे बच्चे की संगति किस टाइप के लोगों से है, किस टाइप के लोग। तब तक देखेंगे ना जब तक बच्चा नाबालिग है। अगर बालिग हो गया, बालिग हो जाता है, अगर बालिग हो जाता है, मैं उसके बारे में बता दूं, अगर आपका बच्चा बालिग हो जाता है तो मुझे लगता है कि प्रीपेड की जगह पोस्टपेड कनेक्शन दीजिए, थोड़ा सा ज्यादा का पड़ेगा, आप उसकी 500 रुपए की लिमिट कर दीजिए, 400-500 रुपए के तो आजकल वैसे भी प्रीपेड आते हैं। आप 500 रुपए, आपके पास पूरा डाटा तो आ जाएगा कम से कम, वो किससे बात कर रहे हैं किससे बात नहीं कर रहे हैं, तो उसका पूरा डाटा, उसकी हिस्ट्री आपके पास आ जाएगी। उसके बाद बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, कहते हैं कि दिन का एक वक्त का खाना आप अपने बच्चों के साथ खा लीजिए तो आप अपने बच्चों को बहुत हद तक जान जाएंगे। आजकल नहीं बैठ पाता कोई, आजकल माता पिता देखिए सारी चीज टाइम की है, आप जो हाथ से है ना सबके, हमारे यही है नहीं, इसी वजह से हम लोग भी नहीं बैठते, बच्चे भी नहीं बैठते। नहीं देखिए बैठाना तो बैठते भी है घर में, अगर चार लोग तो चारों का फोन चल रहा होता है। नहीं आपको देखिए समय तो देना पड़ेगा, अगर आप अपने बच्चों को समय देंगे तो नो डाउट कि आप ये मान के चलिए कि आपके बच्चे आपका सपोर्ट करेंगे। आप एक तिरछी निगाह हमेशा अपने बच्चों पे रखिए, आपके दोस्त आते हैं, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि कभी आप बाहर आपके बच्चे बात कर रहे होते हैं, आप क्यों बात करने दे रहे हैं, आप डाइनिंग रूम में बैठाइए, आप उनसे बात कीजिए, आप देखिए कि आपके बच्चों के बीच की बातें क्या हो रही हैं, किन चीज़ों पर उनकी हंसी मजाक हो रही है। उसके बाद चाय पिलाइए अपने दोस्त, बच्चों के दोस्तों को, वो बंद कमरे के अंदर बैठ के कौन सी बातें होती है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। आप डाइनिंग रूम बनाइए, डाइनिंग रूम होता इसलिए है कि बच्चों के फ्रेंड्स आ रहे हैं तो वहाँ बैठें, उसके बाद उनके पेरेंट्स से मिलिए। तो डॉक्टर साहब कभी तो आप भी उस उम्र से गुजरे होंगे। देखिए सिंपल सी बात है कि हम लोग का समय मोबाइल वाला युग तो था नहीं, आप भी जानते हैं, अगर होता है ना, अगर होता तो कहीं ना कहीं हम लोग के पेरेंट्स इतने सख्त हुए कि जिसकी वजह से जी हाँ। तो डिसिप्लिन, देखिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है और संस्कारों की जरूरत होती है। आजकल ज्वाइंट फैमिली का एक सर्कल चला गया है, दादा दादी का होना बहुत जरूरी होता था, अब दादा दादी नाम की कोई चीज ही नहीं आएगी, अब लोग एकाकी परिवार में रहना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे भी गौर फरमाने की जरूरत है। शुरू कर रहे हैं सेगमेंट अपना, जल्दी ही आ रहा है, दिसंबर के लास्ट वीक तक या दिसंबर के मिड में हम लोग इसको लेके आएंगे। अब बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग जुड़िएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। जैसे आप लोगों ने हेल्थ कैंपों में 300-300, 400-400 लोगों की गैदरिंग करके हमारे हेल्थ टॉक मैनेज किए हैं, हेल्थ कैंप में 2,000-3,000 लोग आके तकरीबन मैंने अब तक 15 लाख से ऊपर लोगों को अच्छा हेल्थ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया, वो भी निःशुल्क। आपने कि दोनों लोगों ने? हमने ना हमारी वाइफ ने, हमारी पूरी टीम ने, मैं पूरी राइजिंग स्टार वेलफेयर फाउंडेशन की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि अकेले मेरे या मेरे वाइफ के होने से। संस्था में कितने लोग हैं जो कंधे से कंधा मिला रहे? 20+ लोग हैं हम लोग, 20+ लोग हैं, और 20+ लोग की ड्यूटी हमेशा हर प्रोग्राम में अलग अलग लगती है, किसी में आएंगे कुछ, किसी में कुछ और आएंगे, किसी में कुछ और आएंगे, मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लें, तो वो सब लोग मिलके और सब लोगों के सहयोग से ही हो पाता है। हमारे जो प्यारे से दर्शक आपको इस वक्त सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने संस्था और स्वास्थ्य और जो जो सेगमेंट आप चला रहे हैं उसके बारे में? सर देखिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आप अपने, आपकी दुनिया में हर समस्या का समाधान आपके माता पिता के पास है। आप थोड़ा सा अपना टाइम अपने माता पिता के पास बैठिए,
आपके माता पिता के पास दुनिया की हर समस्या का समाधान है, उनके पास बैठिए, जानिए उनको, उसके बाद थोड़ा सा समय बाहर के लोगों के लिए भी दीजिए तो आपको अच्छा लगेगा, और ऊपर वाला भी देखिए रहा है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली वो आपकी मदद भी करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, उनके बाद धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर योगेश बिमल। सच बात है कि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सुबह जब काम को निकलते हैं और शाम को जब घर लौटते हैं तो शायद हम अपने माता पिता के साथ नहीं बैठते हैं, ना उनसे बात करते हैं। हाँ, हो सकता है खाना या भोजन करते वक्त जब हम उनके साथ बैठते हैं तो थोड़ी देर हम उनसे बातचीत कर लें। डॉक्टर योगेश लगातार स्वास्थ्य के प्रति, और एक नया सेगमेंट भी उन्होंने चलाया है देश में बढ़ते अपराध पर किस तरह से जागरूकता लाई जाए, किस तरह से युवक युवतियों को समझाया जाए और किस किस गुण और अवगुण को छोड़ने की बात की जाए, इन सब विषयों पर लगातार डॉक्टर योगेश काम कर रहे हैं। उम्मीद है हमारी ये छोटे से पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। डॉक्टर योगेश और इनकी संस्था जिस तरह से गरीब बच्चों की, बुजुर्गों की और गांव में उन लोगों की मदद के लिए गांव गांव पहुंच रही है जो मेडिकल सेवाओं से वंचित है, गंभीर बीमारियों से जूझते हैं और उनको खुद नहीं पता होता है कि वो किस बीमारी से जूझ रहे हैं। उम्मीद है हमारी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। डॉक्टर योगेश और राइजिंग स्टार वेलफेयर फाउंडेशन के लिए क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।